कॉम्प्रोमाइज एकेडमी गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो पढ़ते हम लोग। इन द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड थ्योरी ऑफ फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री ओनर्स और मैनेजमेंट रिलाइड ऑन पर्सनल जजमेंट इन अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम्स दैट दे कन्फ्रंटेड इन द कोर्स ऑफ मैनेजिंग देयर वर्क। देखो, पहले जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, उस समय कोई एक स्पेसिफिक, या जैसे आज के टाइम में है कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वेल इस्टेब्लिश्ड है, उस समय थे नहीं। तो हम जो जो फैक्ट्री ओनर्स थे, वो क्या करते थे कि जो भी वो एक्सपीरियंस करते थे, उसके अकॉर्डिंगली वो उस एक्सपीरियंस को से जो आया नॉलेज उनके पास, जो एक्सपर्टीज आई, उसको अप्लाई करते थे इन मैनेजिंग द वर्क। दिस इज़ वॉट इज़ रेफर्ड टू रूल ऑफ थम। इसको कहते हैं रूल ऑफ थम। मैनेजिंग फैक्ट्रीज बाई रूल ऑफ थम इनेबल देम टू हैंडल द सिचुएशंस एज दे अरोज। ये हेल्प करता था तो उनको कि वो सिचुएशंस को मैनेज कर सके जैसे वो आते थे। बट सफर द लिमिटेशन ऑफ अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। देखो, सिंस ये वेल इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स नहीं थे, तो इसमें गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा थे। वो देखो, एक सिचुएशन पर एक प्रिंसिपल ज़रूर ठीक बैठता हो, लेकिन दूसरे पे ज़रूरी नहीं है कि वही सेम प्रिंसिपल बैठे। और जब वो नहीं बैठता था, तब उसमें से लॉस अरोज होता था, लॉस आता था फैक्ट्री ओनर्स को। फॉर द एक्सपीरियंसेस टू बी एम्युलेटेड, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट वर्क्स एंड वाई डज इट वर्क। ठीक है, फॉर दिस देयर वॉज अ नीड टू फॉलो एन अप्रोच दैट वॉज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ साइंस। तो साइंस बेस्ड एक अप्रोच चाहिए था जिससे वो पता कर सके कि क्या बेहतर है और क्या बेस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साइंस बेस्ड इसलिए कि एक एक हमें एक फिक्स्ड अप्रोच मिल जाए, एक बेसिक अप्रोच मिल जाए जिससे हम एक प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेजरिंग प्रोग्रेस एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। देखो, ये सब तरीके हैं, एक पार्ट है जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्रोसेस है, उसमें पहला क्या है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्लान ए प्लान बी ढूंढना है कि हम अगर ये प्लान फेल हो गया तो हम दूसरे किस प्लान पे स्विच ओवर कर सकते हैं, और किस प्लान के सॉल्यूशन का क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या आगे हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस। मेजरिंग प्रोग्रेस, हमने वो सिचुएशन में जो सॉल्यूशन लगाया उसका प्रोग्रेस क्या है, वो कितनी परसेंट तक हुआ, कितना नहीं हुआ, और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो प्रिंसिपल बेस्ट था, उस अप्रोच वो बेस्ट था या नहीं था। तो इन दिस सिनेरियो टेलर इमर्ज्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस सिचुएशन में जब लोगों के पास पता नहीं था कि आगे क्या सलूशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अप्रोचेस आ सकते हैं, तो इस सिचुएशन में जो टेलर थे, FW टेलर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स दिए जो कि साइंस बेस्ड थे, इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही प्रपोज्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज टू रूल ऑफ थम। रूल ऑफ थम उतना कोई ये नहीं था, वो एक ट्रायल बेस्ड था कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो टाइम आने पे ही पता चलता है कि वो सही है कि गलत है, तब तक शायद लेट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में टेलर ने हमें एक साइंटिफिक बेस्ड मैनेजमेंट बताया जिससे हम अपने जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है जब एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उसे सॉल्व कर सके। ही ब्रोक अप ह्यूमन एक्टिविटी इंटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाउंड आउट हाउ इट कुड बी डन इफेक्टिवली इन लेस टाइम एंड विथ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। मतलब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल्स मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, देखो ये था ना कि ये प्रिंसिपल्स थे जो टेलर दिए थे, उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिजनेस को रन कर सकते हैं, अपने पर्सनल जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, उतनी ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, उनके ट्रेनिंग कैसे कर सकती है जिससे हम अपना आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सब हमें यहाँ से पता चला।
इन अदर वर्ड्स टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोट्स में लिखो. साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, वो आपको बताता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉय से और वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. द बेथलेहम स्टील कंपनी वेयर टेलर हिमसेल्फ वर्क्ड अचीव्ड थ्री फोल्ड इंक्रीज, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज किया था प्रोडक्टिविटी में. जब हमने ये जो उन्होंने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, जो ये प्रिंसिपल्स उनको जब उन्होंने अप्लाई किया, तो हमें 3 टाइम्स इंक्रीज मिला इन आउटपुट. देयर फोर इट वुड बी एन इट वुड बी इन ऑर्डर टू डिस्कस दीज प्रिंसिपल. देखो प्रिंसिपल्स क्या थे एक्चुअली, वो हम अब डिस्कस करेंगे. पहला प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. टेलर पायनियर द इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन टू डोमेन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस. उन्होंने ही लाया था एक साइंस बेस्ड अप्रोच. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रेफर टू द लिमिटेशंस ऑफ रूल ऑफ थम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट. हमने पहले पढ़ा है कि रूल ऑफ थम अप्रोच जो है उनकी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है. एज डिफरेंट मैनेजर्स वुड फॉलो देयर इंडिजीनियस रूल्स ऑफ थम. देखो सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होता है बेस्ड ऑन देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से ये डिफर करता है रूल ऑफ थम. इट इज बट अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्वियस दैट ऑल वुड नॉट बी इक्वली इफेक्टिव. तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास 10 अप्रोचेस हैं गिवन बाई 10 मैनेजर्स, 10 मैनेजमेंट मेंबर्स, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सभी सक्सेसफुल होंगे या फिर सभी यूजफुल होंगे. टेलर बिलीव दैट देयर वॉज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. उनके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि अगर 10 अप्रोचेस है ना, तो सिर्फ एक ही बेस्ट अप्रोच होता है जिससे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है. दिस मेथड वॉज डेवलप कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. और ये मेथड एक बार में डेवलप नहीं होता है, ये ओवरऑल ऑब्जर्वेशन से आता है ये इंफॉर्मेशन, या और स्टडी करते हैं हम सिचुएशंस में, एक्शंस लोगों के, ह्यूमन रिसोर्स के, वर्कर्स के, उसके बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. द मेथड सो डेवलप्ड शुड सब्सटीट्यूट रूल ऑफ थम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क एंड स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसमें ये है ना कि उन्होंने कहा कि साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच जो है ना, वो जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारे चलते आ रहे हैं जो अप्रोचेस, उसे पहले एनालाइज करते हैं उसे, और जो बेस्ट आता है हमारे पास उसे हम इवेंचुअली अडेप्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू टेलर इवन अ स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग ऑफ पिग्स ऑफ आयरन इन टू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज्ड. दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स. देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने एक तो कॉस्ट सेव कर सके, जो मटेरियल्स हैं उनका मिनिमम वेस्टेज हो. देखो वेस्टेज के नॉट बी निग्लेक्ट, मतलब उसे एग्जैक्टली इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, एग्जैक्टली ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मिनिमल किया जा सकता है. और हर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसे एकदम कम से कम कर दे, और जिससे कि ह्यूमन एनर्जी सेव हो सके इवेंचुअली. देखो अगर हम पढ़ते हैं, जब हमारे आप जब प्रोफेशनल एग्जाम्स दोगे, तो उसमें क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हो ना 6 महीने, और फिर आपके एग्जाम्स होते हैं और उस एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि वो 6 महीने की मेहनत खराब हो गई,
बिसाइड्स रिसोर्सेज एंड टाइम, ठीक है, मेहनत, ह्यूमन एनर्जी खराब हो गई। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो उस एनर्जी को सेव कर सके। द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस, ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स। इन द प्रेजेंट कंटेक्सट द यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेट इंटरनल एफिशेंसीज एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे आप अचीव कर सकते हो? थ्रू इंटरनेट एंड ऑल। देखो, जब आप इंटरनल इंटरनेट पे आते हो ना, तो आप अपने कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट्स। मतलब आप एक वेबसाइट बना दो, उसमें आप अपना अपने पर्सनल जो आपके स्टाफ है, रिलेटेड स्टाफ है, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के, आप अपने कस्टमर को अपना कस्टमर नंबर दे दो, जिससे ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके और उनकी क्वेरी, उनके जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उसे सॉल्व कर सके। अगर वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा अच्छी तरीके से, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कस्टमर बेस मेंटेन कर सकती है और उसको इवेंचुअली सब्सिक्वेंटली आप इंक्रीज करो। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। देखो, सब कुछ में ना हारमनी होना चाहिए, ये नहीं कि आप हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमनी मतलब एक, देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे टीम्स, बहुत सारे ह्यूमंस के एफर्ट्स लगते हैं और वो अकेले नहीं किया जा सकता। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन द ओनर्स, किसके किसके बीच, ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच। सिंस एज मैनेजर्स दे हैड the mandate to get work done from the workers, it should not be difficult for you to appreciate that there always existed the possibility of class conflict, the managers versus workers. देखो, एक ये जो एक प्रैक्टिकल इशू है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक फैक्ट्री रन करती है, तो ये प्रैक्टिकली एक इशू आता है जिसमें आपका जो फैक्ट्री के स्टाफ है और फैक्ट्री के जो स्टाफ है और वो जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं और इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो इसलिए शायद एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक ट्रेड यूनियन हमेशा होती है, ताकि जो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है और जो जो वर्कर्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करके उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें सॉल्व किया जा सके। The man Taylor recognized that this conflict helped none. देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है ना, फ़ायदा किसी का नहीं होता, नुकसान दोनों साइड से होता है। दोनों एक किसी का भी कोई भी एक विन विन सिचुएशन में नहीं होता, और जिस सिचुएशन में दोनों नहीं विन विन सिचुएशन में है, तो उसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट को पहले तो इरेडिकेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स, ही एम्फसाइज दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट। देखो, ये रिपीट होगा ये बात है, ये मतलब मेन क्रक्स है ना इसका, कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, उसे सॉल्व किया जा सके। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव दिस। देखो, ये तो इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी आ सकती है। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब सोच बदलने की ज़रूरत है ऑन पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। देखो, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि मैनेजमेंट अपने आप को मालिक समझने लगता है एंड वर्कर्स को नौकर। ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है और ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकती है फ्यूचर में। इट मींस दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म द थिंकिंग इन सच अ सिचुएशन, इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑन गोइंग ऑन अ स्ट्राइक। देखो, वाजिब सी बात है, अगर आपने प्रॉब्लम्स अपने मेंटालिटी ही चेंज कर दी, अगर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों की तरह जाके बात करोगे, लेकिन एक सीनियर या जूनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तरह जाके बात करोगे, तब और उनके जो ग्रीवांसेस हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सुनो, उन्हें सॉल्व करो, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो भी इश्यूज हैं, उन्हें बताओ, आकर उसको समझाने की कोशिश करो, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके।
मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स. देखो, वर्कर्स के साथ शेयर करना मतलब बोनस देना बेस्ड ऑन प्रॉफिट. एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर गुड ऑफ द कंपनी. बोथ शुड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली. जो भी जो चेंजेस हैं, जो भी प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इम्प्लॉयज़ की वजह से, वर्कर्स की वजह से, तो उन्हें भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज़ फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम, दैट प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पनीड बाय प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा. दोनों को एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कर सकती है लॉन्ग टर्म में. जापानीज वर्क कल्चर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच अ सिचुएशन. इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस. ठीक है, दिस इज कंप्लीट ओपननेस. इसका मतलब क्या है कि ओपननेस है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. इफ एट ऑल वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक दे वेयर अ ब्लैक बैज बट वर्क मोर देन नॉर्मल आवर्स. ये आपने सुना होगा कि जब जापान में जब वर्कर्स स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो काम रोकते नहीं हैं, बल्कि वो ज़्यादा काम करते हैं. वेयरिंग अ ब्लैक बैज टू गेन सिंपथी ऑफ द मैनेजमेंट. ताकि देखो, अगर आप काम बंद कर दोगे तो उससे नुकसान दोनों का ही है. एक ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स अचीव नहीं कर सकती, ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव करेगी, तो उसको इवेंचुअली लॉस होगा. वो लॉस का बर्डन कहीं ना कहीं एक वर्कर पर आएगा. वर्कर पर कैसे आ सकता है आप सोचोगे कि अगर देखो कंसिस्टेंटली ऐसा होता रहा तो उनके पास काम नहीं आएगा, मैनेजमेंट कंपनी के पास काम नहीं आएगा, तो वर्कर्स को वो निकाल सकते हैं या फिर उनका जो वेजेस है वो कम कर सकते हैं. वेज कम करना इज लास्ट रिसोर्ट, शायद वो नहीं भी कम करते लेकिन उस शायद निकाल सकते या फैक्ट्री क्लोज डाउन कर सकते. इसका मतलब क्या है कि नुकसान दोनों का ही है. तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगली लेक्चर में करेंगे. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय.